आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े की कढ़ी। यह बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। वैसे तो इंडिया में ये कई प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन अगर इस तरीके से आप कढ़ी पकोड़ा बनाओगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कढ़ी पकोड़ा बनाने की। तो मैंने एक कटोरी इसमें बेसन लिया है और अब मैं इसमें एक चम्मच जितना मैं अजवाइन अपने हाथों से क्रश करके डालूंगी। इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ तो पानी हिसाब से डालना है, तो मैंने थोड़ा सा पानी एक में डाला है। जब ज़रूरत होगी तो और डालूँगी इसमें। वैसे तो मैं घोल अपने हाथों से ही फेंटना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि हाथों से जो अपन अच्छे से कर पाते हैं ना, वो इससे नहीं होगा। मैंने जितना पानी डाला था उसी पानी में ही ये हो गया फेंट, अच्छे से तैयार हो गया है बेसन का घोल। और अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसकी। देखो ये जो मैं ऊपर ऐसे करती हूँ ना, तो आराम से पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको मिलाने से। और ये है ना, घोल बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है हमारा। देखो ये ना ऐसे हो गया ना क्रीमी क्रीमी, तो क्रीमी ही करना है अपन को। इधर मैं 1 किलो दही ली है मैंने, मतलब 1 ही किलो है ये दही। तो इसके अंदर अभी पानी डाला नहीं है मैंने, मसाले सभी डाल दूंगी और बेसन भी इसमें डाल दूंगी। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक इसमें नहीं डालेंगे, अभी नहीं डलेगा नमक इसमें। जब ये सब्जी उबाल के आ जाएगी तब नमक डालेंगे इसमें। और ये 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है। मैं दही का ही बना रही हूँ पकौड़े, तो बेसन की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये ना इसमें ना बहुत अच्छा स्वाद आएगा, ज़्यादा बेसन डालते हैं ना तो केवल बेसन का ही स्वाद आएगा इसमें। अब पकोड़े तो बना ही रहे हैं अपन, तो इसमें थोड़ा कम ही कर लेते हैं बेसन को। तो अच्छे से मैं इसको ना फेंट कर रख दूँगी साइड में, और दूसरी तरफ मैं ना छोंक की भी तैयारी करूँगी। इधर मैं ओखली में लाल मिर्च ओखली में मैं क्रश कर रही हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा तीखी है लाल मिर्च, तो इसको क्रश करके ही डालूँगी। और फिर जो ये लहसुन है इसको भी इसके साथ में पीस लूँगी। इसको दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा एकदम पेस्ट मीन पेस्ट नहीं करना है। लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया है। ये जो बाकी लहसुन की कलियां बची है उसका मैं बघार लगाऊंगी। तो ये मैंने प्याज पहले से साफ़ करके रखे थे, और ये हरी मिर्च भी है, 3-4 हरी मिर्च है, 3 प्याज है। इनको ना बड़े बड़े साइज़ में काट रही हूँ। बड़े बड़े साइज़ में काटने से ये ना प्याज गलते नहीं है, नहीं तो कढ़ी में क्या छोटे प्याज काटते हैं ना तो गल जाते हैं। ये प्याज का स्वाद भी नहीं आता और प्याज दिखते भी नहीं है उसमें। तो ये बड़े साइज़ के काट रही हूँ। पापा जी को ना छोटे साइज़ के पसंद नहीं है, कढ़ी में तो बड़े ही चाहिए उनको प्याज। इधर मैं
बेसन के घोल में दो हरी मिर्च काट दूँगी छोटी छोटी साइज में, और थोड़े से जो मैंने प्याज काटे थे ना वो प्याज इसमें मिला दूँगी, उसमें से थोड़े ही लूँगी, प्याज पूरे नहीं लूँगी। तो ये ना मैं हरी मिर्च काटने के बाद मैं इसमें प्याज भी डाल दूँगी। बेसन के घोल को एक बार साइड में रख दूंगी, और ये हरी मिर्च मैं बघार के लिए काट रही हूँ, तो इसमें भी ज़रूरी है, कढ़ी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हरी मिर्च का, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो इधर मैं गैस चालू कर दूंगी, चढ़ा दी कढ़ाई, और इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें डालना, रिफाइंड तेल से अच्छा नहीं बनेगा ये, सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा बनेगा हमारा कढ़ी। तो इधर मैंने ना साइड में ये अपने जो बघार के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी, और दूसरे वाले साइड में भी मैंने पकौड़े के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, तो इसमें भी मैं सरसों का तेल ही डाल रही हूँ। और जब तक हमारा ये दोनों कढ़ाइयों का तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं नीम की पत्तियाँ लेकर आ रही हूँ। ये नीम का पौधा है, मैंने घर पे ही लगाया था, और इसकी हमें ना हमेशा ही डालियाँ तोड़नी होती है इसके। आप कभी भी कड़ी पत्ते के ना पत्ते ना तोड़ाओ, अगर अपन पत्ते तोड़ते हैं ना तो इसका ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तो आप अगर ज़रूरत पड़े ना उस हिसाब से एक डाली तोड़ दो। मुझे दो की ज़रूरत है तो मैं दो तोड़ रही हूँ, क्योंकि कड़ी मेरी ज़्यादा है। तेल मेरा गरम हो गया, तो इसमें डाल रही हूँ साबुत धनिया, एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, और 5 से 7 जो लहसुन की कलियाँ बची थी वो डाल रही हूँ, और कड़ी पत्ते भी इसके साथ में चटका दूँगी। और ये जो मसाले सभी अभी मैंने डाले थे, ये सभी अच्छे से चटक जाएंगे ना, उसके बाद में ही हम हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। पत्तियाँ चटक जा रही है, तो अभी इसमें हींग डाल रही हूँ, क्योंकि हींग पहले डाल देते तो थोड़ा कई बार जल जाता है, तो अभी डाल रही हूँ मैं हींग। मुझे इसमें थोड़ा कच्चा ही रखना है हींग को, अच्छा स्वाद आएगा हींग का। चलो मसाले सभी चटक गए हैं, तो इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। 2 मिनट हरी मिर्च को अच्छे से थोड़ा भूनना है। 1 मिनट और अब मैं प्याज भी डाल रही हूँ साथ में। प्याज को मैंने थोड़ा सा हिला लिया है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी। 1 सेकंड या 2 सेकंड आप मिलाने के बाद इसमें सभी मसाले डाल दीजिएगा। तो मैंने इसमें एक लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक, प्याज के अनुसार डाल रही हूँ नमक, उसमें बाद में और डलेगा नमक। तो 1 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ 1 चम्मच। ये सभी मसालों को अच्छे से भूनने के बाद में ही अपन ने जो बनाया था दही का बैटर वो डाल देंगे। अब इसमें दही और बेसन का घोल डाल रही हूँ। इनको डालने के बाद में आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू हिलाते रहना है, नहीं तो ये ना फटने की संभावना रहती है इसमें। तो मैं ये ना थोड़ी देर के लिए हिलाती रहूँगी, तब तक मेरा ये तेल गर्म हो रहा है साइड में पकोड़े के लिए, तब तक मैं हिलाऊँगी। उसके बाद में ये भी मेरा काम चलता रहेगा, और मैं पकोड़े भी तलना स्टार्ट कर दूँगी।
तो चलो अब पकोड़े का तेल मेरा गरम हो गया है, इसको मैं साइड में हिलाती रहूँगी और मैं अब पकोड़े तल रही हूँ। पकोड़े का ये पहले घोल है मेरा, तो इसमें जो चार पांच पकोड़े निकालूँगी वो पहले मैं निकाल के रख दूँगी अलग साइड में, गाय के लिए या जो भी खाए जानवर उनके लिए रख रही हूँ साइड में, क्योंकि हमारे घर में जो सुबह पहले जो कुछ भी बनता है ना वो पहले गाय के लिए निकलता है हमेशा ही। तो तू बाद में धोर देते तो बेटा मैं नहीं छीन देता, अब काट मैं लूं ठीक है। मम्मी इस चैनल के आपको 2 से 3 महीने दो ही चालू करो। हमें कम कर दूंगे, ये बहुत उबल रहे हैं। किसको इधर पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं और साइड में मैं अपनी कढ़ी को भी संभाल रही हूँ एक हाथ से। और अब इसमें ना बारी आती है जो लाल मिर्च और लहसुन मैंने दरदरा कूटा था उसकी बारी आती है, क्योंकि इसमें एक बार उबाल आ गया है। अब इसमें ये सब ये पेस्ट डाल रही हूँ, ये बाद में इसलिए डलता है इसका फ्लेवर अच्छा आता है, नहीं तो इसका फ्लेवर चल जाता है जल्दी डाल देंगे ना तो इसका फ्लेवर चल जाता है। अब ये जो ओखली में बचा कुचा रहता है मेरा हमेशा का यही है, जो बचा कुचा होता है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और मैं वही डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो देखो ये कढ़ी बनकर मस्त सी तैयार हो गई है। इधर बेटे ने फरमाइश की है कि मम्मी आलू के निकाल दो मेरे लिए, तो एक आलू मैंने इसको बोला था छीलने के लिए, उसने तो छीला नहीं है, मुझे ये काम करना पड़ेगा। अब बच्चों का क्या, एक बार फ्राई फरमाइश कर देते हैं तो माँ के मन में यही रहता है कि बच्चों की फरमाइश पूरी की जाए, जितना हो सके उतना तो वो माँ करेगी। तो मैं ना ये जो आलू पड़ा है ना ये आलू मैं ये पकौड़े निकालने के बाद में आलू छील लूँगी और पहले उसमें एक बार कढ़ाई में डाल दूँगी, वो जब तक पकेंगे तब तक मैं आलू छील कर काट भी लूँगी और बच्चे की भी मेरी फरमाइश पूरी हो जाएगी आलू के पकौड़े, और मेरी भी मन में ये रहेगा कि चलो मैंने निकाल दिया। क्योंकि बच्चों को जब कुछ अच्छा घर में बनाते हैं तो बच्चों का मन यही रहता है कि मम्मी जल्दी बनाए जल्दी हम लोग खाएँ, और ये तो अभी से कह रहा है मम्मी मुझे बन गए तो डाल दो ना, मम्मी मुझे डाल दो ना। तो मैं ना पहले उसके लिए आलू के ना काटूंगी उसके बाद में डालूंगी। आलू से पहले एक कटोरी में इसको एक बार मैं डाल दूंगी, बोला तो है डाल दूंगी, अब ये इंतज़ार नहीं कर रहा है तो बीच में मुझे एक बार डालना पड़ेगा इसको। हरी मिर्च नहीं ये तो
आलू को छीलने के बाद में एक बार मैं साइड में रख दूंगी आलू को और इसके छिलकों को, क्योंकि मेरे है ना ये पकोड़े जल जाएंगे, इसलिए पहले मुझे वो संभालने होंगे। उसके बाद में मैं आलू को धोकर ही काटूंगी। चलिए आलू को मैंने धो लिया है और अब मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको फाइनल जो जितना मुझे नमक चाहिए उस हिसाब से मैं डालूंगी कढ़ाई में। तो ये ना पहले मैंने एक चम्मच डाला था, दो चम्मच डाल रही हूँ मैं नमक के। और अब आती है आलू के पतले पतले स्लाइस काटने की बारी। मम्मी इतना काफी है, अब आपको है ना, मैं बताता अब आपको है ना, अब सुनो ये पूरी आप वीडियो कर दो, अब उसी का एक बड़ी वीडियो ना और उसी की शॉर्ट वीडियो बनाओ। मैं ऐसे तो करती हूं, बस और अपन उन दोनों को लिंक कर देंगे। मैं लिंक करना सीख लूंगा आज, पर सुन वरना वीडियो में बोलना अगर आप शॉर्ट वीडियो में बोलना क्या आप आवाज नहीं लेंगे, शॉर्ट वीडियो में बोलना अगर आपको पूरी वीडियो देख के रहेंगे वाला बटन दबा दो। प्याज और हरी मिर्च के पकोड़े तो मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं आलू के पकोड़े निकाल रही हूँ। ये तो सभी को ही पसंद है आलू के पकोड़े। क्या चालू ही पड़े अब बेटे को पहले डाल रही हूँ एक कटोरी में। मैं पहले इसको एक बार डाल दूंगी, बाकी बाद में आलू के जब बन जाएंगे तो आलू के वो बाद में खा लेगा। तो ये ना मैं ना छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रही हूँ इसको, क्योंकि ये क्या इसमें ये छांट देता है हरी मिर्च और प्याज को छांट के रख देता है। तो मैं पहले से ही इसके निकाल के रख रही हूँ, इसको पसंद नहीं है। आलू तो पूरा खा जाएगा लेकिन हरी मिर्च और प्याज नहीं खाएगा। और
तो आलू के भी मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं और ये सभी तैयारी हो गई है। अब सबको मैं डालूंगी खाना। सबसे पहले मैं अपने ससुर जी की थाली लगाऊंगी, पापा जी का, वो इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए और आप भी खा लीजिए मेरी यूट्यूब फैमिली।